अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जवाद है। मैं तो रात देख रही हूँ टहलने जवाद, और फिर सब तो ठीक होंगे। तो आज मैं अभी उठा हूँ, टाइम ना हो गया, और मैं आज आपको बताऊँगा कि मेरी डेली की रूटीन क्या है। मतलब अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में मैं कह रहा हूँ, मतलब वैसे मैं क्या करता हूँ लॉकडाउन में, मेरी डेली रूटीन क्या है लॉकडाउन में। अभी तो वैसे छुट्टियाँ होगी इसलिए, तो मैंने कहा आज आपको बताते हैं कि मेरी डेली रूटीन क्या है। और उस आज मतलब गैरू शरीफ भी हमने करानी घर में, महफिल भी है और आज जुम्मा भी है, सबसे अच्छी बात है। और आप जुम्मा मुबारक भी हो। तो अभी ना हो गए, अभी मैं उठा हूँ, तो आप मेरे गेटअप देख रहे हैं, बहुत मतलब बाल ऐसे बिखरे पड़े हैं। मैं तैयार हूँगा स्पेशल, अभी आज जो मैं नहाना भी है। तो बस अभी जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि मैं फ्यूचर में जितनी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपका मुझसे लें। सुबह उठ के बोलने भी नहीं हो रहा, चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मुझे सुबह सुबह दुकान से रस से लेने भेज दिया। मैंने तो साफ बता दी मैं तो पराठा चाय और फ्राई अंडा खाऊंगा, लेकिन ये नहीं मांग, घर वाले कह रहे हैं हमें तो आज जैसे चाहिए। तो मैं अभी रस ही लेने जा रहा हूँ सुबह सुबह, तो अपना अंडा भी मैं तो लेने जाऊँगा। मैं तो रस नहीं खा सकता। हम वैसे हफ्ते में तकरीबन एक दफ़ा ज़रूर खाते हैं रस, केक या वगैरह, केक भी थोड़े से लेंगे और रस भी। तो दुकान पे देते हैं, दुकान बंद है लेकिन इनके घर जाते हैं। ओके, ये मैं रस और अंडा ले आया हूँ, आप घर जाके आराम से ये केक भी लाए हूँ साथ और रस भी, और घर जाके आराम से फिर खाते हैं। हीटर के पास आए है, सर्दी बहुत होता है। ये मेरा अंडा तैयार हो गया फ्रेश फ्रेश, और पराठा भी, और मेरी अपनी कप में चाय। रोटी भाई मैं कैसे खाता हूँ पराठा। अभी मैं नाश्ता खा चुका हूँ, तो अब थोड़ी देर आज़म करते हैं और वर्जिश। वैसे मतलब मैं वर्जिश करता रहता हूँ, वैसे डाइट निकालना वैसे थोड़ी बहुत ही, लेकिन वैसे मतलब वैसे तो मैं तकरीबन आधा घंटा या तकरीबन पौना घंटा खा लेता हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी मतलब डाइट निकालूंगा और आपको मतलब बताऊँगा कि आप ज़्यादा फिट कैसे रह सकते हैं। चलिए आगे मैं वर्जिश करता हूँ।
फिटनेस आपको कैसी लगी? होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये मतलब वैसे मैं ब्रेकफास्ट के बाद ये मतलब थोड़ी देर करता हूँ, क्योंकि अभी फिट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मतलब हर कोई मतलब बॉडी बनाना चाहता है, लेकिन मैं थोड़ा सा पतला हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अभी मेहनत कर रहा हूँ मैं थोड़ी सी फिटिंग करने का, लेकिन आगे आप देखते हैं फिर क्या करते हैं आगे, क्योंकि आज जुम्मा भी है। अभी मैं नहाना है, अभी फिर तैयार होके बताते हैं आपको। अभी नहाना नहीं, वैसे मतलब और काम बहुत हैं अभी, तो आगे देखते हैं फिर। ये मतलब आधी तैयारी हमने लगा दी है, चीज़ें जो महफिल है टेस्ट आ गया मेरा, तो मैं अभी टेस्ट करने लगा हूँ। अभी टाइम तो हो गया तकरीबन 11 होने वाले हैं, तो मतलब अब टेस्ट की तैयारी है मुझे, लेकिन मैं अब टेस्ट देने लगा हूँ, तो दिखाते हैं आपको मेरे कौन सा टेस्ट है। अगर आप भी मेरे साथ पबजी खेलना चाहते हैं तो मेरी आईडी जवाद किलर 07 है, तो नो स्पेस है, सारे कैपिटल लेटर्स हैं, नो स्पेस जवाद किलर 07 नो स्पेस। और मैंने अभी तकरीबन 2-3 मतलब हफ्ते में शुरू किए, तो मैं अभी वैसे गोल्ड 4 पे हूँ, तो जिसने मेरे साथ खेला है तो वो खेल सकता है। शुक्रिया। तो अभी नहाने का टाइम हो गया, तो मैं अभी जमा पढ़ने तकरीबन थोड़े टाइम के बाद चला जाऊँगा, तो उसके बाद आपसे बात होती है। चलें फिर इंतज़ार कर ले, सॉरी चले जाते हैं। तो मैं अब रेडी हो गया, तो अब आज एक याद आई बात है कि आपको मैं बताऊंगा कि 6 सुन्नतें कौन सी जुम्मे मुबारक की। सबसे पहले तो गुस्ल करना, और अच्छा अच्छा लिबास पहनना, और खुशबू लगाना, मिसवाक करना, और मतलब सीधी रास्ते जाना, पहले मतलब सीधे रास्ते पे जाना, फिर दूसरे मतलब वापस जाएंगे जुम्मा पढ़ कर, तो मतलब फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करना, और अच्छा अच्छा लिबास पहन, ये हो गया। यही थी मतलब सुनते जो सी जुम्मा किए, तो आगे आप थोड़ी सी टाइम रह गए, फिर जुम्मे की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको बताएंगे। चलें तो अभी मैं जुम्मे में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं इस्पारी पढ़ लूँ, क्योंकि अभी मुझे मिलने पर भी था एक इस्पारा, तो मैं पढ़ रहा हूँ अभी इस्पारा। तो अब थोड़ी 12:30 हो गए, 1 बजे जुम्मा का टाइम हो जाएगा, तो मैं फिर जाऊँगा जुम्मा पढ़ने। तो अब हम मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने, और इसलिए मैंने बाहर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बाहर मेहमान बैठे हुए, इसलिए तो मैं देते, इसलिए मैंने बनाई वीडियो। तो अभी हम जुम्मा पढ़ने जाते हैं, तो बताते हैं फिर साथ।
तो हम जुमा पढ़ के आ गए अब, तो अब महफिल स्टार्ट होगी इधर बाहर, तो देखते हैं महफिल कैसे है। यही था व्लॉग, बस हॉपफुली आपको बहुत पसंद आएगा। और ये आखिर पे आया है, मतलब जब मैं व्लॉग मतलब हर चीज़ का चुका था, ये मतलब महफिल पे आया था, तो मतलब बहुत टाइम के बाद मतलब आया, मेरा व्लॉग ख़त्म हो चुका था, मुझे सांस इसलिए चढ़ा था क्योंकि कज़न आए थे, उन्हें बहुत तंग किया है, तो इसलिए मतलब बहुत थका हूँ अभी। तो ब्लॉग एंड यही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं फ्यूचर में जितनी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको सके, और लाइक भी कर दें। हाँ, ये लाइक कर दें, तो शेयर ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी। चलो अब तक के लिए नहीं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़।